हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो हम लोग एक विषय पे चर्चा कर रहे थे कि करंट अफेयर्स को कैसे अच्छा किया जाए। अगर बीपीएससी में अगर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 30 से कहीं ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और बाकी किसी भी कंपटीशन में अगर देखा जाए तो करंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन करंट को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए और बेहतर मटेरियल यानी कि सटीक किताबें, कौन सी सटीक किताबें हो जाती है, इसका चर्चा हम शुरू से ही कर रहे थे। आज हम लोग वहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग वहीं प्रतियोगिता दर्पण जो सटीक किताबें हैं जिसके बारे में हम बार बार चर्चा करते थे उसी को हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपके पास प्रतियोगिता दर्पण भी है तभी भी आपको कभी कभी ये बातें समझ भी नहीं आती कि हमको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। ठीक है, हम उसमें सब चीज़ बताएंगे कि कहाँ से कौन सा टॉपिक है, पूरे किताब को पढ़ा नहीं जाता। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि हमको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, तब आपसे किसी भी और कितना ही टफ कंपटीशन क्यों ना हो जाए, कितना ही मतलब समझिए कि हाई लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप इसे कंप्लीट कर ही लेंगे। हम लोग बार बार चर्चा यही कर रहे थे कि क्या पढ़ा जाए, क्योंकि किताबें अगर हम लोग मटेरियल की बात करें तो बाज़ार में बहुत सारे मैगजीन हैं, बहुत सारे नोट्स भी हैं, करंट अफेयर्स पे बहुत सारे चीज़ें लिखी गई हैं। अगर हम लोग यूट्यूब की भी बात करें तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे भरमार आपको देखते होंगे, बहुत सारे वहाँ पर मिलते हैं। लेकिन सारे अध्ययन करने के बाद आपको यही पता चलता होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो एग्ज़ाम देने वालों को ये बात पता चलता है, जो दर्द है, जो तकलीफ़ है उसे समझ में आता है ना। जो बच्चा पैदा करता है वो कितने दर्द और तकलीफ़ को फील करता होगा, झेलता होगा, वो वही व्यक्ति बता सकता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, हम लोगों का एक अनुभव रहा है, शुरू से ही प्रारंभ से ही एक अनुभव रहा है कि अगर आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर रोज़ का आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तब आपका करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर 30 प्रश्न पूछता है तो 25 प्लस बनाएंगे। और उसके साथ एक मैगजीन को ऐड कर लीजिए, प्रत्येक माह का जो मतलब मंथली जो मैगजीन है उसको आप ऐड कर लीजिए, जिसको हम लोग प्रतियोगिता दर्पण कहते हैं, नहीं तो क्रॉनिकल कहते हैं। दो चीज़ें हैं, बहुत सटीक किताबें हैं। एक ही किताब को बार बार पढ़िए, यह ज़रूरी है ना। एक ही किताब को, एक ही मैगजीन है, इसे बार बार पढ़ा जाए तो आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब ये है कि उसने सबसे ज़्यादा फोकस न्यूज़पेपर पे किया है। उसके बाद एक जो मंथली मैगजीन है, उस मंथली मैगजीन को आप हमेशा एक दो घंटे या तीन घंटे का टाइम निकाल कर मतलब रोज़ पढ़िए, ताकि आपका करंट अफेयर्स रिवाइज भी होता रहे, है ना। और न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं, जब मैगजीन आप पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है इसकी वैल्यू। तो आज हम लोग वहीं करंट अफेयर्स में प्रतियोगिता दर्पण जो है, प्रतियोगिता दर्पण का कुछ इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जब आप हमारे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। अगर आप इसे पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, तीन चैनल है वहाँ पे टेलीग्राम का, किसी में भी आप ज्वाइन करिएगा तो आपको मिलेगा। तो ये जो पीडीएफ है आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें वही बताएंगे जो बहुत ही वीवीआई है। बाकी अगर आपके पास पीडीएफ है या किताबें हैं, है ना, तो इसका फ़ायदा आपको सबसे ज़्यादा होगा एग्ज़ाम के लिए। जैसे 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम आपको देना है तो आपको प्रतियोगिता दर्पण, जो प्रत्येक माह का प्रतियोगिता दर्पण है, उसको पढ़िए। अगर इससे बेहतर और भी पढ़ना चाहते हैं, इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो क्रॉनिकल या योजना जो है, कुरुक्षेत्रा जो है ना, कुरुक्षेत्रा और योजना जो है उसको भी ऐड कर सकते हैं। इससे भी बहुत फ़ायदा है, मेंस और पीटी दोनों में फ़ायदा होता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन करिए, सब मिल जाएगा वहाँ पे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रतियोगिता दर्पण आप देख ही रहे होंगे,
प्रतियोगिता दर्पण का ये हो जाता है अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स जो है ना, आप देख सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण का है करंट अफेयर्स 21 से 30 अप्रैल 2024 के बीच में है ना, जो चीज़ें है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे 21 अप्रैल का जो न्यूज है आपके सामने। देखिए कहता है यहाँ पे कि भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्र तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है ना, किसका पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया। बाकी आप पढ़िएगा। देखिए भारतीय नौसेना ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी समुद्र तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है भारतीय नौसेना के द्वारा। पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना के द्वारा कौन सा, तो देखिए पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया गया है। जब आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो ये मटेरियल मिलेगा आपके पास पीडीएफ के तौर पे, तो आप चाहें तो इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी पे बात करते चलेंगे क्योंकि बहुत लंबा है। चलिए देखते हैं जस्ट ए मर्सिनरी है ना, जस्ट ए मर्सिनरी दुब्बूरी सुब्बा राव का संस्मरण है जो आप देख सकते हैं, यही है, इन्हीं का नाम है ना, इन्हीं का नाम दुब्बूरी सुब्बा राव हो जाता है। और ये जस्ट ए मर्सिनरी जो है आप देख सकते हैं। देखिए कहा गया है कि हाल ही में एक प्रकाशित संस्करण है जिसको जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड कैरियर हो जाता है, और ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुब्बूराव सुब्बा राव का नाम तो सुने होंगे पाठकों को, अपने विशिष्ट कैरियर के माध्यम से एक मनोरमा यात्रा पर ले जाते हैं जिसमें उप कलेक्टर से लेकर वित्त सचिव और अंततः केंद्रीय बैंक के मुखिया विभिन्न भूमिकाएं इसमें शामिल है। यह बहुत अच्छा प्रकाशित जो संस्करण है जिसका नाम है, पूछा जा सकता है, जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड कैरियर है ना, और इन्होंने इन्हीं का है संस्करण सुब्बा राव का, पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सुरक्षा है ना, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सुरक्षा। यहाँ पे आप देखिए, देखिए प्रतियोगिता दर्पण को इसलिए कहा जाता है कि जितना भी मैगजीन है, सारे मैगजीन या मार्केट में जितना भी आप देखते होंगे नोट्स वगैरह, सारे लोग नोट्स प्रतियोगिता दर्पण कुरुक्षेत्र योजना को पढ़ के ही बनाते हैं है ना। लेकिन जब आपके पास प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल की जो मैगजीन है अगर आपके पास हो और सही तरीके से थोड़ा सा सीरियस अगर अध्ययन किया जाए तो एक भी प्रश्न बाहर से, मतलब समझिएगा, छूटेगा नहीं। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए और एक मैगजीन, कोई भी मंथली मैगजीन हो आपके अनुसार, या प्रतियोगिता दर्पण हो जाए या क्रॉनिकल हो जाए, कोई एक मैगजीन अच्छा से पढ़िए है ना। कुछ लोग दोनों मैगजीन पढ़ते हैं, जैसे हम लोग दोनों मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि इसका ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलता है। और बाकी कोई भी ऐसा मैगजीन या कोई भी चीज़ें अगर फोकस करते हैं तो फिर बिना मतलब का हो जाता है। एक ही मैगजीन हो, बार बार आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी पे फोकस करिए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। देखिए कहता है कि क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सुरक्षा, जैसे आप देख सकते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने है ना, यह योजना किसका, केंद्र सरकार ने क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत बागवानी क्षेत्र के किसानों को सब्सिडी देने के लिए CDP सुरक्षा नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह पूछा जा सकता है आपसे है ना, कौन सा, तो CDP है ना सुरक्षा। आप देख सकते हैं क्या किया है, जैसे आप देखते हैं बागवानी क्षेत्र के किसानों को सब्सिडी देने के लिए CDP सुरक्षा नामक एक क्या है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और इससे भारत के बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा जो कृषि सकल मूल्यवर्धन में लगभग एक तिहाई का योगदान भी ये देता है। ठीक है, एक तिहाई का योगदान भी देता है, जैसे में आप यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हैं है ना, जो हाईलाइटेड है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसका प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता रामचरण को है ना, आप देख सकते हैं, यही है रामचरण, साउथ के प्रसिद्ध एक्टर हैं। रामचरण को वेल्स विश्वविद्यालय से साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। आपसे पूछा जा सकता है कि वेल्स विश्वविद्यालय जो है ना, ये कहाँ पे है, तो देखिए चेन्नई के वेल्स विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध भारतीय
अभिनेता रामचरण को साहित्य में, यह भी पूछा जा सकता है, साहित्य में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। और यह वेल्स विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे है, चेन्नई में हो जाता है ना, चेन्नई में हो जाएगा और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कहते हैं कि टियांगटोंग परियोजना है ना, टियांगटोंग परियोजना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पे चीन के इंजीनियरों के द्वारा और वैज्ञानिकों के द्वारा विश्व का पहला सैटेलाइट बनाया गया है। चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा देखिएगा विश्व का यह पहला सैटेलाइट बनाया गया है ना, जिसकी सहायता से बिना मोबाइल टावर के स्मार्टफोन से कॉल की जा सकती है ना। जैसे अभी देखते होंगे स्मार्टफोन तो सब कोई ले लेता है लेकिन बिना टावर का बात नहीं होता, लेकिन चीन के वैज्ञानिकों ने, वहाँ के विद्वानों ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है ना, एक ऐसा विश्व का पहला सैटेलाइट बनाया है जो अगर नेटवर्क ना भी रहे है ना, अगर टावर ना भी रहे तो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, कॉलिंग हो जाएगी, ठीक है। और यह आपात स्थिति में मोबाइल कनेक्टिविटी बाधित वाले स्थानों में प्रयोग के लिए बनाया गया है ना। और कहता है कि जिसकी मदद से लोग सीधे ओवरहेड कम्युनिकेशन ऑर्बिटर से जुड़कर मदद प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और यह काम किसने किया, चीन के द्वारा किया जाता है, जो विश्व का पहला सैटेलाइट इन वैज्ञानिकों और इन इंजीनियरों के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ है, टियांगटोंग वन श्रृंखला का यह पहला उपग्रह अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था, है ना। कुछ और भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, 2008 में सिचुआन में आए भूकंप के बाद इस प्रकार के उपग्रह की अवधारणा का जन्म हुआ। इसमें क्या हुआ कि देखते हैं, इस आपदा की वजह से संचार बाधा के कारण 80,000 से अधिक लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा। तब वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक विश्व का पहला सैटेलाइट तैयार किया जो बिना टावर के भी बात हो सकता है, ताकि वो मदद वहाँ पे मांगा जा सके और उसको मदद भी मिल जाए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कहता है कि नासा का मार्स सैंपल रिटर्न प्रोग्राम है ना, किसका, तो नासा का कौन सा मार्स सैंपल रिटर्न प्रोग्राम है ना, मार्स सैंपल रिटर्न प्रोग्राम। देखिए हाल ही में नासा के परसिवरेंस रोवर, जिसका उपनाम क्या है, परसी, ने 10 रॉक सैंपल ट्यूब के साथ पहला सैंपल डिपो ऑन अनदर वर्ल्ड बनाया, जिसे मार्स सैंपल रिटर्न अभियान के हिस्से के रूप में पृथ्वी पर लौटाया जाना था। हालांकि यह योजना बहुत महंगी है, इसकी लागत $11 बिलियन है और इसे केवल वर्ष 2040 तक क्रियान्वित किया जाएगा। और यह नासा के मंगल 2020 मिशन का एक रोबोटिक एक्सप्लोरर हिस्सा है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसमें जो भी है साइंस टेक से संबंधित मैटर मिलेगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चौथा वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन शुरू किया हुआ है ना, चौथा वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन शुरू हुआ, जो आप देख सकते हैं ये है ना, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में कि कोरल रीफ वॉच है ना, कोरल रीफ वॉच और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ने वर्ष 2023 से लेकर के 2024 में चौथी वैश्विक सामूहिक प्रवाल विरंजन घटना की पुष्टि किया है ना। और कहा जा रहा है कि विगत 10 वर्षों में यह दूसरी ऐसी घटना है जो ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक महासागरों में भी वर्ष 2023 और 24 में अभूतपूर्व तापमान दर्ज किया गया है ना, तापमान दर्ज किया गया है, फिर भी ऐसी घटना हम लोग को देखने को मिली। और ये कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरल रीफ वॉच में हम लोग यहाँ पे देखेंगे है ना। बहुत सारे चीज़ें हैं, आप पढ़िएगा इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कहते हैं रूसी शांति सेना ने है ना, रूसी शांति सेना ने अजरबैजान के नागोर्नो कराबाख से शुरू की वापसी की है ना, कहाँ से किया है, अजरबैजान के नागोर्नो कराबाख से क्या हुआ, शुरू कर दिया है वापसी का। और इसमें कह रहा है कि अजरबैजान के नागोर्नो कराबाख जो है, नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में मास्को की
कि वर्षों पुरानी सैन्य भागीदारी रूसी शांति सेना की वापसी के साथ समाप्त हो गई है। यह क्षेत्र जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहीं से इसका वापसी जो है प्रारंभ किया गया, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यहीं से इसको समाप्त किया जाता है। नवंबर 2020 में मास्को द्वारा किए गए समझौते में, है ना, समझौते में यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि नागोनो करबाख के अलग हुए दक्षिणी काकेशस क्षेत्र में 2000 से अधिक रूसी शांति सेना की तैनाती की गई थी, जिससे अजरबैजान और जातीय अर्मेनियाई बलों के बीच 6 सप्ताह की लड़ाई समाप्त हो गई थी और शांति सेना की तैनाती के बावजूद नागोनो करबाख में रहने वाले 1,20,000 जातीय, है ना, आर्मेनियाई लोगों को क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और अलग हुए क्षेत्र के नेताओं को तब पकड़ लिया गया जब अजरबैजान ने पिछले साल सितंबर के क्षेत्र को जबरन वापस ले लिया, है ना। इसे टोटल आप लोग पढ़िएगा, है ना, सही रहेगा। हम वहीं पे आपको फोकस करेंगे जहाँ से संभावना बन रहा है कि यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे देखिएगा, कहता है कि एप्पल और क्लीन मैक्स ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया है, ये तो याद रखना जरूरी है। किसने? तो एप्पल और क्लीन मैक्स ने, है ना, क्लीन मैक्स ने। यहाँ पे एक बार ठीक से देखिए आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए किससे समझौता किया गया, है ना, आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग किया गया किससे, तो देखिए एप्पल हो जाएगा और क्लीन मैक्स ने, है ना, ये सहयोग किया है इसमें, जैसे आप देख सकते हैं एप्पल क्लीन मैक्स ने, है ना। यहाँ पे देखिए, एप्पल ने भारत में 6 औद्योगिक स्थलों पर 14.4, है ना, 14.4 मेगावाट की छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए क्लीन मैक्स के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य क्या है, देश में अपने परिचालन से जुड़े उत्सर्जन को कम करना। इन प्रतिष्ठानों से अपने पूरे परिचालन जीवन काल में लगभग 2 लाख, है ना, यानी कि 207 कह सकते हैं टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने की उम्मीद किया गया है। जैसे एक और भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है आपसे कि भारत लोकतांत्रिक देश है, पुलिस स्टेट नहीं, है ना। जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट ने ये बात कही है, क्या कहा, तो भारत लोकतांत्रिक देश है, है ना, भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है, पुलिस स्टेट नहीं है। देखिए यहाँ पे कहा जाए तो भारत का जो संविधान लागू हुआ, है ना, उसे विधि का शासन जो है, है ना, विधि का जो शासन है यही प्रमुख है, बाकी इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, है ना, विधि का शासन। और यही बात कहा कि पुलिस स्टेट नहीं है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, है ना, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने ये बात कही। तो देखिए, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक कश्मीरी नागरिक के हक में फैसला सुनाया। दरअसल सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, है ना, के तहत एक कश्मीरी नागरिक को हिरासत में लिया गया और शोपिया के जफर अहमद नाम के इस शख्स ने पिछले साल PSA के तहत दर्ज किए गए मामले को लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अपनी हिरासत को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत एक पुलिस स्टेट नहीं है, बल्कि भारत एक लोकतांत्रिक देश हो जाता है, है ना। कभी कभी जो बहुत ही चर्चा में रहा है किसी किसी का डिसीजन, वैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, ऐसे प्रश्न क्या है पूछे जा सकते हैं आपसे, इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखते हैं SBI लाइफ, तो SBI लाइफ ने जीवन बीमा, है ना, SBI लाइफ ने जीवन बीमा नवाचार के लिए प्रस्तुत किया IDA NX हो जाता है, IDA, है ना, NX हो जाएगा। तो जैसे में हम लोग देखेंगे कि देश की सबसे भरोसेमंद निजी जीवन बीमा कंपनियों में से एक है और SBI लाइफ इंश्योरेंस ने, है ना, आइडिएशन एक्स जो है का पहला संस्करण लॉन्च किया गया, यह भी पूछा जा सकता है, है ना, आइडिएशन एक्स का जो है यह पहला, है ना, संस्करण लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बीमा क्षेत्र के भविष्य में क्रांति ला सकती है इस इनोवेटिव प्लेटफॉर्म का उद्देश्य देश भर के 20 स्कूलों
यानी कि बिजनेस स्कूलों के भावी नेताओं को अपरंपरागत जीवन बीमा समाधानों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका काम है। चलिए आगे देखा, यह हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में सौरभ गर्ग की नियुक्ति हुआ है, है ना। क्या होता है, सौरभ गर्ग की नियुक्ति होता है। कह रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में सौरभ गर्ग की नियुक्ति होता है। जैसे केंद्र सरकार ने, देखेंगे, आईएएस अधिकारी सौरभ गर्ग को सांख्यिकी और कार्यक्रम, है ना, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, ये हो सकता है आपके लिए। देखिए, धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार केके को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। पूछा जा सकता है कि धनलक्ष्मी बैंक ने किसको, अजीत कुमार केके को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। निजी क्षेत्र के धनलक्ष्मी बैंक ने कहा कि उसने अजीत कुमार केके को 3 साल की अवधि के लिए बैंक का प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष भारतीय बैंक S&P वैश्विक रिपोर्ट क्या कहती है, है ना, किसमें, एशियाई प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष भारतीय बैंक के बारे में कहता है। तो यहाँ पे देखिए, 18 अप्रैल 2024 को जारी S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय बैंकों, है ना, SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक को एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल किया गया है। यह इम्पोर्टेंट है, हो सकता है ये पूछे। और कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बैंक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड 2023 के अंत में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक बना रहा। चलिए आगे देखा जाए। चलिए, ये इम्पोर्टेंट है। अडानी फैमिली ने अंबुजा सीमेंट में किया 8,339 करोड़ रुपए का निवेश, है ना, किसमें, तो अडानी फैमिली ने अंबुजा सीमेंट में, पूछा जा सकता है, कितना का निवेश किया, 8,339 करोड़ रुपए का। तो अडानी समूह की सीमेंट बनाने वाली कंपनी क्या है, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने, है ना, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड हो जाता है, ने अपने भविष्य से संबंधित बड़ा ऐलान किया है। और कंपनी ने बताया है कि अदानी परिवार ने कंपनी में अतिरिक्त कितना, 8,339 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वारंट प्रोग्राम को पूरी तरह सब्सक्राइब कर लिया है। चलिए आगे देखा जाए। ये खेल से संबंधित है प्रश्न, हो सकता है पूछा जा सके यहाँ पे। विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने एशियाई ओलंपिक कुश्ती क्वालिफायर के फाइनल में जगह बनाकर पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है, है ना, पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है, किसमें, पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। कहता है कि विनेश फोगाट, है ना, क्या हो जाएंगे, विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने एशियाई ओलंपिक कुश्ती क्वालिफायर के फाइनल में जगह बनाकर के पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। ये देख सकते हैं आप, विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने एशियाई ओलंपिक कुश्ती क्वालिफायर के फाइनल में जगह बनाकर के पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। किर्गिस्तान के बिश्केक में हुए सेमीफाइनल मुकाबले में फोगाट ने कजाकिस्तान की लौरा गानिकीजी को और अंशु ने उज्बेकिस्तान की लेलोखोन सोबिरोवा को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। किसको हराया, ये इम्पोर्टेंट है, है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा।
चलिए आगे देखा जाए, यहाँ पे कहता है कि बिजडन के, है ना, बिजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नामित हुए पैंट कमिंस और शाइबर ब्रंट, है ना, इनके बारे में देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कहता है कि प्रतिष्ठित बिजडन क्रिकेट्स, है ना, अलम नैक के 2024 संस्करण में दो असाधारण प्रतिभाओं को, एक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी नैट साइबर ब्रंट को विश्व में बिजडन लीडिंग क्रिकेटर्स के रूप में ताज पहनाया गया, है ना, किसमें, तो बिजडन लीडिंग क्रिकेट्स के रूप में ताज पहनाया गया, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला देखते हैं, विश्व लीवर दिवस 2024, है ना, क्या हो जाएगा, विश्व लीवर दिवस 2024 है। कभी कभी जो चर्चा में रहता है, चर्चा में कभी कभी जो रहता है दिवस, वो पूछा जाता है आपसे। जैसे देख लीजिए, विश्व लीवर दिवस मानव शरीर में यकृत के बारे में जागरूकता और इसके महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए कब 19 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है और इस समय इसका काम क्या है, उद्देश्य की बात करें तो यकृत लीवर जो है, है ना, इसके बारे में जागरूकता और इसके महत्व को बताने के लिए जो काम किया जाता है वो हमेशा 19 अप्रैल को, इसलिए हमेशा 19 अप्रैल को ही विश्व लीवर दिवस मनाई जाती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है 2024 में जब विश्व लीवर दिवस मनाई गई तो उसका थीम क्या था, अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, है ना, क्या था, अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, इसका क्या है, यही इसका थीम है। अगला देखिए, कहता है भगवान महावीर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने जारी किया एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट। देखिए ये प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है आपके बीपीएससी में, है ना, पूछा जाता है और आपसे ये पूछा जाएगा, जो हम अभी बता रहे हैं आपको, पूछा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में, है ना, महावीर जयंती के शुभ अवसर पर कब, तो 2550वें, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत भी है, 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया और श्री मोदी ने भगवान महावीर की मूर्ति पर चावल और फूलों की पंखुड़ियों से श्रद्धांजलि अर्पित की और स्कूली बच्चों द्वारा भगवान महावीर स्वामी पर वर्तमान में वर्धमान नामक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति देखी और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया, 24वें तीर्थंकर, है ना। चलिए आगे देखा जाए, महावीर के बारे में भी जानकारी कुछ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कहता है कि कैपरी में G7 विदेश मंत्री की बैठक में इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की गई है, कहाँ के, कैपरी में, है ना, पूछा जाएगा आपसे, ये इम्पोर्टेंट है, ग्रुप ऑफ 7, है ना, कहता है कि ग्रुप ऑफ 7 के विदेश मंत्रियों की बैठक जो 17 से लेकर के 19 अप्रैल 2024 तक चला, इटली के शहर कैपरी में आयोजित की गई थी और दुनिया की उन्नत प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्थाओं की बैठक ईरान के इजराइल पर हमले और गाजा और यूक्रेन में जारी युद्ध की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रुप ऑफ 7 के विदेश मंत्रियों की बैठक भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे किया गया, किस देश में, तो इटली हो जाएगा, इटली में कहाँ, तो कैपरी में इसका आयोजन किया जाता है, है ना। बाकी और चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे देखिएगा, पूछा जा सकता है इटली की G7 देशों का वर्तमान अध्यक्ष है, है ना, और इटली के विदेश मंत्री जो हैं एंटोनियो ताजानी ने G7 विदेश मंत्रियों के बैठक की मेज़बानी की और बैठक के बाद G7 देश के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक मामलों पर 3 विज्ञप्तियां जारी किया। चलिए आगे देखा जाए, हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यहाँ पे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के लिए UNSC के प्रस्ताव पर वीटू कर दिया है, किसने, तो अमेरिका ने, किस पे वीटू किया, तो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के लिए UNSC के प्रस्ताव पर क्या कर दिया, वीटू कर दिया, किसने, अमेरिका ने।
तो देखिए, हाल ही की एक घटनाक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछा जा सके। और इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? फिलिस्तीन को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देना था, है ना, अलग राज्य के रूप में मान्यता देना था। चलिए आगे देखा जाए। उत्तर कोरिया ने, यहाँ पे देखिए, उत्तर कोरिया ने प्योलॉजी 1-2 विमान, है ना, उत्तर कोरिया ने, इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उत्तर कोरिया ने प्योलॉजी 1-2 विमान भेदी मिसाइल और एक नए हथियार का परीक्षण किया है। अगर आप जितना भी हाइलाइटेड यहाँ पे है, अगर आप इसे भी एक बार देख लें तो आपका लगभग काम निकल सकता है, चल सकता है। यानी कि जब आप एक बार पढ़ाई कर लेते हैं, दूसरा बार रिवीजन के तौर पे आप जितना भी हाइलाइटेड किया गया है, आप इसको एक नज़र में, जितना हम लोग अभी काम कर रहे हैं 10 मिनट में आप इसको निपटा दीजिएगा, इतना हो सकता है आपसे। क्योंकि अगर पहली बार पढ़ते हैं तो टाइम लगता है, दूसरी बार पढ़ते हैं तो बहुत कम टाइम लगेगा, और तीसरा चौथा बार में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जो सरसरी आपकी निगाहें हैं उससे भी एक बार देख लेते हैं तो आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे कहता है उत्तर कोरिया ने, है ना, उत्तर कोरिया ने उत्तर कोरिया ने 20 अप्रैल 2024 को कोरिया के पश्चिमी सागर में एक विमान भेदी, जिसका नाम क्या है, प्योलॉजी, है ना, प्योलॉजी 1-2 मिसाइल और एक सुपर रणनीतिक क्रूज मिसाइल हासल 1 रात्री के बारहेड के परीक्षण की घोषणा किया है, है ना। जिस टाइप के यहाँ के उत्तर कोरिया के नाम होता है उसी टाइप से ये लोग अपना मिसाइल भी रखते हैं, है ना। यह मिसाइल परीक्षण 19 अप्रैल 2024 को उत्तर कोरिया द्वारा किया गया, ठीक है, इतना भी काम चल सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, कहता है कि रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान, है ना, रक्षा प्रमुख क्या है, जनरल अनिल चौहान, और फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं, फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कौन है रक्षा प्रमुख हैं जिनका नाम है अनिल चौहान? देखिए, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं और इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाना है, ये हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सूखे और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण तीर्थ नदी क्या हुआ, सूख गया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये नदी किस राज्य में है, है ना, कौन सा, तो लक्ष्मण तीर्थ नदी जो सूखे और भीषण गर्मियों के कारण क्या हुआ, सूख गया। देखिए, कर्नाटक के, है ना, कोडागु जिले में है, कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित है लक्ष्मण तीर्थ नदी। अपनी सुरम्य पहाड़ियों, घने जंगलों और क्रिस्टल अस्पष्ट नदियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। हालांकि चल रहे गंभीर सूखे की स्थिति और भीषण गर्मी के कारण नदी को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। यह पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण तीर्थ नदी किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि नलिन जो प्रभात हैं बने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख बने हैं, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा जो गार्ड है उसके नए प्रमुख बनाए गए हैं, और ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम नलिन प्रभात हो जाता है, को देश के आतंकवाद रोधी और अपहरण रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का, ब्राज़ील के वर्षा वन में, है ना, ब्राज़ील के वर्षा वन में एक नई प्रजाति की क्लाउडेड टाइगर बिल्ली की खोज किया गया है, है ना, इम्पोर्टेंट है, क्लाउडेड टाइगर बिल्ली की खोज किया गया है। कहाँ पे? तो ब्राज़ील के वर्षा वन में एक नई प्रजाति की क्लाउडेड टाइगर बिल्ली की खोज किया गया है। हाल ही में ब्राज़ील के घने वर्षा वनों में
बाघ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, क्लाउडेड टाइगर कैट नाम है, लेपर्ड पार्डिनोइड्स नाम की यह बिल्ली संरचनात्मक रूप से छोटी जरूर है, है ना, क्या है, छोटी जरूर है लेकिन यह जैव विविधता और संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी खोज किया गया है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कहेगा यहाँ पे कि HDFC लाइफ के चेयरमैन पारेख में दिया इस्तीफा, है ना, HDFC लाइफ के चेयरमैन पारेख ने क्या किया, इस्तीफा दिया, के मिस्त्री होंगे बोर्ड के अध्यक्ष, है ना। तो देखिए बैंकर दीपक एस पारेख हो जाते हैं, दीपक एस पारेख ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से 18 अप्रैल 2024 को इस्तीफा दे दिया और इसके बाद HDFC बोर्ड के चेयरमैन पद पर केकी मिस्त्री को दीपक पारेख के स्थान पर नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से भी कभी कभी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे शतरंज, है ना, शतरंज है, डी गुकेश ने रचा इतिहास और फिडे कैडिकेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनते हैं, है ना। तो देखिए कनाडा के टोरंटो में, ठीक है, तो कनाडा के टोरंटो में खेले जा रहे हैं फिडे कैडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश ने, है ना, डी गुकेश ने इतिहास रच दिया है, ठीक है। 17 वर्षीय गुकेश यह टूर्नामेंट जीतने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, है ना, दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कास्पारोफ ने 1984 में 20 वर्ष की आयु में इस टूर्नामेंट में विजय प्राप्त की थी और इसके अलावा जो गुकेश भारत के विश्वनाथ आनंद के बाद विश्व शतरंज चैंपियन में क्वालिफाई करने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी बन गया है, है ना, दूसरा भारतीय खिलाड़ी बन गया है, कौन, गुकेश। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि बलराज पवार ने, है ना, बलराज पवार ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा हासिल किया, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसने, बलराज पवार ने, है ना, बलराज पवार ने क्या किया, पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा क्या किया, इसने, इसने हासिल किया है। तो दक्षिण कोरिया में, ठीक है, दक्षिण कोरिया में विश्व एशिया ओशियांस ओलंपिक और पैरालंपिक क्वालिफिकेशन मुकाबले में नौकायन में बलराज पवार ने तीसरा स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा हासिल कर लिया। और बलराज पवार भारतीय सेना के कर्मी है, उन्होंने 2000 मीटर के लिए 7 मिनट और 1.27 सेकंड में क्या किया था, पूरा किया था। बहुत है आपका, ठीक है, हम लोग इसको कम से कम, क्योंकि पूरा करेंगे तो डेली का ये चलता रहेगा, अगर हम लोग इस प्रतियोगिता दर्पण में जो भी हम लोग अभी देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, अगर सीरीज बाय सीरीज हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं तो 70 BPSC या कोई भी कंपटीशन जब आप देने जाएंगे तो सारा का सारा प्रश्न यहीं से टकराएगा, यहीं से मिलेगा। निश्चित तौर पे प्रतियोगिता दर्पण एक अच्छी मैगजीन मानी जाती है, सटीक मैगजीन मानी जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको यहीं पे रुकते हैं, अगर आपका डिमांड होगा कि इसको बहुत लंबा किया जाए, है ना, तो हम लोग बहुत लंबा इसको करेंगे और काफ़ी देर तक हम आपके सामने, है ना, इस चीज़ को कराते रहेंगे और हम लोग इसको पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डिमांड जैसे होगा उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, नहीं तो आराम से 35 मिनट 40 मिनट, है ना, इसको जितना भी हो सके निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा है, बहुत सारा है। अभी हम लोग अप्रैल कर रहे हैं, मई करेंगे, है ना, इसके पहले वाला भी करेंगे, ताकि बहुत सारा चीज़ें हैं कवर हो सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों।